Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। कुंवर साहब, ये हैंगर वाला सूट पैक कर दूं क्या या पहनेंगे? कुंवर साहब, आपको जो पैक करना है आप कर दीजिए, आई डोंट केयर। ठीक है कुंवर साहब। आप कब आए? जब देखा कि हमारा बेटा उदास है। सिट। वीर, अब तुम बच्चे नहीं हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि राजेश्वरी रानी को गांव क्यों भेजना चाहती है, लेकिन तुम साथ जाने से मना कर सकते थे ना? पापा, आप जानते हैं कि मैं रानी साहब की कोई भी बात को टाल नहीं सकते, लेकिन बेटा बात को टालने में और उसे ना मानने में जरा सा फर्क होता है। अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही दबा के रखोगे ना, ऐसे ही सिर पकड़ के बैठे रहोगे। और डॉक्टर साहब, अब हमें लगता है कि हमें डॉक्टर के लिए भी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। पापा प्लीज। अरे आई एम जस्ट जोकिंग यार। पूरा हक है मना करने का। विक्रम करता है ना, नंदिनी भी करती, और हमें देखो ना, हम भी तो तुम्हारी दादी साकी कई बातें नहीं मानते, तो इसलिए कई बातों पे ना करना आना चाहिए। पर रानी सा के लिए मुझे सिर्फ हाँ समझ में आता है पापा। मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं है, वो भगवान है मेरी। उन्होंने मुझे बनाया है, तराशा है उन्होंने मुझे। मेरे नाम के आगे डॉक्टर, ये कॉन्फिडेंस, ये सब उन्हीं की बदौलत है पापा। ये नाम वीर प्रताप सिंह रजावत, ये भी उन्होंने ही दिया है, वरना क्या था मैं पापा? कुछ भी नहीं, ना परिवार होता, ना कोई वजूद होता। बहुतों की तरह गुमनामी में कहीं खो जाता मैं, इसलिए जो वो कहेंगी, जैसे वो कहेंगी, मैं वही करूंगा। इस बार जब रानी साहब नाराज हुई थी, घर छोड़ के चली गई थी, सो नहीं पाया था मैं पापा, रात दिन ये गिल्ट मुझे मारे जा रहा था, इसलिए जो रानी सा कहेंगी अब मैं वही करूंगा। और शायद इसी में सबकी भलाई है पापा, रानी अपने घर वापस चली जाएंगी, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगी। इस अनचाहे रिश्ते से तो छूट मिलेगी उन्हें। एनीवेज मैं पैक कर लेता हूं, वरना देर हो जाएगी। हमने आपके लिए कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं और इन डिब्बों में कुछ मिठाइयाँ हैं अपनी दादी अम्मा और सहेलियों के लिए। शुगर फ्री हैं, इसलिए आपकी दादी अम्मा भी खा सकती है। आप जाइए, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। जी। आप तो हमें रुला ही देंगी राजमाता जी, इतना सारा सामान की क्या जरूरत थी, हम तो केवल दो दिन के लिए जा रहे हैं ना। हाँ,
हमने तो कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आपको हमें इतना ढेर सारा प्यार देने की क्या जरूरत थी। एग्जैक्टली और अगर आप ये सामान लेकर नहीं जाएंगी तो इसे डबल हम सबके लिए वापस कैसे लेके आएंगी? हाँ और मेरे लिए वो आपके गांव में मिठाई मिलती है ना, कौन सी बताई थी आपने, वो क्या थी वो, लॉन्ग भी और लता जी क्या है वो, लॉन्ग लता वही, वो प्लीज मेरे लिए लेके आना, मुझे बहुत सी जी, बिल्कुल जीते रहो बेटा, संभाल कर जाइएगा और जल्दी लौट कर वापस आइएगा। जीते रहो बेटा। अच्छा किया ना मैंने वो कियारा को भगा दिया घर से, तो वो आप लोग के पीछे ना भलिया तक आ जाती, बड़ी पागल है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाभी साहब आप भी ना यार, चलिए छोड़िए, वैसे आप वहाँ पे पूरा एंजॉय करना और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरा ब्रो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। अच्छा मेरा एक काम करना प्लीज, वहाँ पहुँच के ना ब्रो और सूरती देवी की ना एक सेल्फी मेरे को भेज देना, मैं सब जगह पोस्ट करूँगा। हमारी सूरती है इतनी प्यारी, आपके खड़ूस से भाई के चेहरे पर भी मुस्कान ले आएगी पक्का। अच्छा हाँ, जितनी कहानियाँ हम सुन रहे हैं ना उन सबका सबूत चाहिए हमें, और एक सेकंड, वो क्या था खान चाचा, उनका इतर मत भूल के आइएगा, याद है ना 10 रुपए की शीशी। जी जरूर। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना, हमेशा हमेशा के लिए। अभी हमें चलना चाहिए, नहीं तो हाईवे पे ट्रक्स की वजह से ट्रैफिक मिल सकती है। चलिए। एक मिनट डॉक्टर साहब। कहिए क्या हुआ? रानी सा का आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकते हैं हम? एक मिनट। इन सब की जरूरत नहीं है रानी सा, हम जब बलिया से आ रहे थे ना तो हमारे घर की सबसे बड़ी हमारी दादी अम्मा का आशीर्वाद लेकर आए थे, तो जब यहाँ से निकल रहे हैं तो आपका आशीर्वाद कैसे नहीं ले? हमारे बाबूजी हमारे साथ ना है लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ है। आप अपना ख्याल रखिए रानी सा, हम प्रमाण पत्र जमा करते ही लौट आएंगे और यहाँ का सारा काम संभालेंगे। आशीर्वाद दीजिए। चले, देर हो रही। रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी एक और चीज बाकी है। हम ऐसे ना ही जा सकते। ओ गॉड, फिर से ऐसे नहीं जा सकती हो, मतलब कहना क्या चाहती हो? हनी,
हम कहना चाहते थे कि जाने से पहले अगर हम Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।